देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने ये ऐड बनाया है। अभी ये ऐड अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो किस तरह से बना सकते हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको घर पे ये ऐड बनाना है तो आप, मैंने इसे मोबाइल से बनाया है। नॉर्मली आप कोई भी मोबाइल ले सकते हो, जैसे ये 10T प्रो है, आप कोई भी मोबाइल ले सकते हो जिसमें स्लो मोशन होना चाहिए, तो आजकल सारे मोबाइल में रहता है। तो मोबाइल यूज करके आप ये ऐड, मस्त वाला ऐड बना सकते हो। अभी जैसे इसको बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, तो देखो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो कि iOS पे हो या Android पे हो, तो आप जाके अगर प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, मान लो Android पे, तो स्टॉप मोशन ऐप सर्च कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉप मोशन ऐप है। स्टॉप मोशन ऐप क्या होता है, जैसे कि आपका बहुत सारे फोटोज को लेके वो एक वीडियो बना देता है। तो कोई भी एक स्टॉप मोशन ऐप ले लो और उसको यूज करके आप मल्टीपल फोटोज लोगे। मैं सीन 1 सीन 2 पे डिस्कस करेंगे, तो वहां जाके आपको बेसिकली आप मल्टीपल फोटोज लोगे। जैसे आप मान लो कि 10 फ्रेम पर सेकंड का अगर आप बना रहे हो वीडियो, तो अगर 4 सेकंड का बना रहे हो तो आपको 40 फोटो लोगे, तो वो मोशन उस पर कैप्चर हो जाता है। फिर पहला चीज ये है। दूसरा है कि आपको ये जिस तरह ये डब्बा चाहिए, ये आपको चाहिए कि केलॉग का एक कॉर्नफ्लेक्स का आपको डब्बा आप एक ले लो। फिर आपको हरा कपड़ा चाहिए, कोई भी हरा कपड़ा लोगे तो ग्रीन स्क्रीन करने में, क्योंकि आपको बैकग्राउंड रिमूव करना रहता है। और कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके, रिजॉल्व है या कोई भी, सब में ग्रीन स्क्रीन आप हटा सकते हो, जो भी वीडियो एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। आपको इस तरह का एक बाउल चाहिए होगा, बाउल चाहिए। फिर हाँ देखो, लाइट चाहिए, मतलब आप कोई भी लाइट ले लो और उसको डिफ्यूज़र, कोई कपड़ा वपड़ा डाल के उसे सॉफ्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज चाहिए कि यार आप ग्रीन स्क्रीन कैसे हटा सकते हो, एडिट कैसे कर सकते हो। तो ये सारा रहेगा तो आप इजीली ये ऐड बना सकते हो। सीन 1 में क्या है, टॉप मोशन जो है वो ऐप यूज़ करके ऐप एक्टिवेट करा, और उसके बाद हमने फ़ोटो लेना शुरू करा। एक एक दाने रख रख के ऐसे एक रखा, फिर फ़ोटो लिया, फिर एक रखा, फिर फ़ोटो लिया, एक रखा, ऐसे करके। मान लो कि अगर हमने 5x8 रखा, मतलब 40 फ्रेम्स, 40 का फोटो लिया और उसे अगर प्ले करेंगे तो 4 सेकंड का आपको एक स्टॉप मोशन एक वीडियो मिल जाता। ओवरऑल आप देखोगे कि और बहुत ही मस्त रहता है इसको। अगर आपको स्टॉप मोशन थोड़ा सा कोई भी ऐप यूज करने लगोगे तो बहुत सारी चीजें इससे कर सकते हो, राइट। फिर सीन 2 अभी क्या है, ये बॉक्स है, तो बॉक्स को भी वही टेक्निक यूज करके, मोबाइल पे वो ऐप यूज करके 40 से 60 फोटोज लो, अगर एक एक मूव करके, थोड़ा थोड़ा मूव करके और फिर अलग अलग देखे, जैसे लगे कि ये मूव कर रहा है, तो जब ये वीडियो बन जाएगा तो आपको लगेगा कि ये मूव कर रहा है। तो नॉर्मली आप चाहो तो इसमें ऐसे डंडा गाड़ के और ऐसे घुमा भी, कोई अगर कोई रोटेट करने वाला बेस है, कितने सारे होते हैं ना जैसे मिठाई दुकान में, और वहाँ पे आप बेस घुमाने वाला रहता है, तो वो आपको नहीं है, वो कॉस्टली पड़ेगा, क्यों करना। तो ये भी आप स्टॉप मोशन से कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप घुमा सकते हो एक, वो भी सेम कॉन्सेप्ट ऐप यूज करके आप बना रहे हो। सीन 3 में अभी आप देखोगे थ्रोइंग कॉर्न, तो मतलब अभी क्या है कि आपके कोई भी मोबाइल पे जो भी स्लोएस्ट मोशन आपका मोबाइल कैप्चर करता है वो एक्टिव कर लो, लगाओ। लाइट बहुत ज्यादा होना चाहिए, अगर डे लाइट, मतलब लाइट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए स्लो मोशन में, राइट, नहीं तो गंदा क्वालिटी आएगा। और ग्रीन स्क्रीन भी अगर आपको हटाना है तो आपको डेफिनेटली लाइट अगर स्क्रीन पे अच्छा रहेगा तो आपका अच्छा, तो आप बेसिकली एक ट्रे पे रख के आप थ्रो करके आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हो, तो जब वो फॉल करता रहता है और फिर वीडियो में लेयर 1 लेयर 2 लेयर 2 पे बेसिकली ये बॉक्स को डाल दिया ऊपर और उसके नीचे ये इसको डाल दिया और फिर थोड़ा सा आगे पीछे करके वो जैसे जैसे गिर रहा है उसके बाद वीडियो कट कर दिया, वैसे लगेगा कि बॉक्स के अंदर सारा गिर रहा है करके कौन। तो इसमें मेन है कि आपका जो सबसे अच्छा स्लो मोशन वाला मोड होगा आपके कैमरा में वो यूज़ कर लो। अब अगला है कि ब्लास्ट ऑफ फेक्स, इन द सेंस कि अगर आपको मान लो कि ब्लास्ट करना है, मतलब कैसे उड़ रहा है सारा फ्लेक्स, तो एक मान लो कि चादर रख लिए, ग्रीन चादर टाइट करके उसमें फ्लेक्स डाल दिए और ऐसे ऐसे झक्का मार रहे हो, तो वो उड़ रहा है, राइट, और आप उसको ऊपर से कैमरा, मतलब मोबाइल को लगा के, मोबाइल कैमरा को, और आप इससे स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो फिर उसको आप डालते हो तो एक ब्लास्ट आता है, वो ब्लास्ट को आप कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड पर डाल सकते हो, तो उससे आपको मस्त फील आएगा। जैसे इस वीडियो में बॉक्स के पीछे ये ब्लास्ट आ रहा है, फिर एक ये हो गया, ठीक है। फिर सीन 5, तो सीन 5 में अभी बेसिकली जो है कि मिल्क पोर हो रहा है, मतलब इसमें मान लो कि आप अलग अलग टाइप के मोशन डाल सकते हो, आप चाहो तो बुक्स रख के इसे स्लाइड कर सकते हो, या आप चाहो तो स्लो मोशन पे आप इसमें मिल्क डाल रहे हो तो एक फील आता है, ठीक है, तो एक वो हो गया। फिर सीन 6
हो गया जिसमें आप तो वो डांस कर रहे थे, मतलब आप अलग अलग टाइप के डांस और मोशंस, अलग अलग टाइप के मोशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अलग अलग कैरेक्टर का ग्रुप है तो वो डांस कर रहे हैं, कुछ कुछ मोशंस आप वो कर सकते हो, ठीक है। अभी ये सारा चीज कर लो तो सारे सीन्स आपके मोटे मोटे कवर हो गए, फिर आपको सॉफ्टवेयर में जाके इसको एडिट करना रहता है। जो भी आप यहाँ पे आपका वीडियो बना स्टॉप मोशन पे वो जाके आपने इम्पोर्ट करना है, फिर जो भी स्लो मोशन बना उसको उठा के इम्पोर्ट करने का है, ये सारा हो गया। बेटर ग्रीन स्क्रीन का इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है कि आपका नॉर्मली अगर ग्रीन स्क्रीन जो आप बैकग्राउंड में लगाओगे और आपको बदलना है मान लो बैकग्राउंड, तो अगर आप ग्रीन स्क्रीन लगाओगे और वो बहुत अच्छा लाइट उस पर नहीं पड़ रहा है तो आपको क्या होगा कि बेसिकली जब आप उसको हटाने जाओगे तो मुश्किल होगा, उसको थोड़ा की करना मुश्किल होगा एजेस में और ये में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फ्रेम वाइज फ्रेम जाके चेंजेस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो, फन के लिए पहले लर्निंग के लिए कर रहे हो तो आप थोड़ा रफ भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये रफ ही किया फास्ट करने के लिए करा। आपको कोई पैसा देता है तो आप बेसिकली फिर फ्रेम बाय फ्रेम जा के आप बेसिकली मास्किंग कर सकते हो, मास्क आउट कर सकते हो कैरेक्टर को एक एक फ्रेम में जाके। अगर आप 25 फ्रेम्स पर सेकंड कर रहे हो, अगर 4 सेकंड का है तो आप ये पकड़ लो कि 100 फ्रेम पे आपको काम करना पड़ेगा, सारा एडजस्ट करना पड़ेगा। कि अब अगला जो मेन एक्टिविटी रहेगा सॉफ्टवेयर में जाके ग्रीन स्क्रीन को रिमूवल, तो ग्रीन स्क्रीन जाके आप रिमूवल कर लो, ऊपर नीचे रख लो वीडियो लेयर को, आपको फिर थोड़ा सा वहां पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये पूरा देखना है कि इसको एडिट कैसे करा है वो, उसके लिए आप अगला वीडियो में बनाऊंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, मैं अगर बोलोगे तो मैं वो करूंगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो। होपफुली आपको ये समझ आया हो, और ये रियली यार आप ऐड वगैरह बनाते हो तो आप इससे बिजनेस भी कर सकते हो, ग्रीन स्क्रीन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, लेयर्स में काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप उससे बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। तो आपको डिटेल्स ये तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, थैंक यू।